अब पूरा हम सफर का पूरा पूरा इसमें बहुत तेजी स्पीड पकड़ लिया है पूरा। इसके ऊपर कोई गेम है कि यही गेम है? इसमें इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का गेम। ओ भाई अब क्या स्पीड पकड़ लिया भाई, कतई है। और एक क्रैक साउंड भी है और ये अंधेरा हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू कैर गेमिंग। आज हम करने वाले हैं एक जर्नी जो कि हम LHV जो कि आपको दिख सकता होगा। और हम सफ़र इसमें लगा पड़ा है और अभी हम करेंगे जर्नी स्टार्ट। और अभी स्टेशन पर खड़ी है हमारी ट्रेन जो कि आपको कैमरा से दिखा सकते हैं। कैमरा अलग अलग पोजीशन से कि देखिए LHV है। और पूरा हम सफ़र का पूरा पूरा लगा पड़ा है, मतलब 3 टायर्स के लगे पड़े हैं AC वाले। और इसमें आप आपको सबसे पीछे लेके चलते हैं जो कि ये है। और अभी हमारी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है तो हम कुछ ही देर में क्रक डिपार्च ले करते हैं। और ये हम इंजन में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इंजन है, मगर इसमें थोड़ा ग्राफिक्स बढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और अब हम चलते हैं थोड़ा इंजन के पास तो आपको इसमें आवाज़ आ रहा होगा इंजन का। और ये लगेज है जो कि जनरेटर कार है जिसमें हम सामान ढो के लेके चलते हैं, जो कि अमेजोन वाले ये सब इसी में लेके चलते हैं। तो टाइम आ चुका है डिपार्ट लेने का, तो एक लंबा सा हॉर्न मार लेते हैं। और अभी डिपार्ट ले चुके हैं, देखिए पार्क। आपको विंडो साइड लेके चलते हैं, देखिए कितना बढ़िया लगेगा। यहाँ से देखिए पूरा रियलिटी का आएगा, इसमें बहुत तेजी स्पीड पकड़ लिया है पूरा भाई, का कई जहर लग रहा है भाई। इस गेम का सबसे बढ़िया अगर प्ले स्टोर पर कोई गेम है तो यही गेम है। इसमें इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का जो रियल ट्रैक साउंड है वो बेकार है, इसका काफ़ी अच्छा गेम है। अब हम इधर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा, मतलब इधर से हम जा सकते हैं पेंचरी के तरफ, जो कि इसमें कैमरा पोजीशन इसमें दे नहीं रखा, तो आप इधर भी जा सकते हैं। और ये बाहर से लुक काफ़ी जहर लग रहा है, उसका ट्रैक साउंड का मज़ा लें। देखिए घासों के बीच में मस्त लग रही है LHV को, जब चमक रही है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये गेम का ट्रैक साउंड, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप इंजॉय करें जर्नी का, क्योंकि हम चल रहे हैं पटना से डिग्री तक, जो कि एक जर्नी है जो कि डिग्री का ट्रेन है, पटना जंक्शन से डिग्री जा रहे हैं। ऐसे सामने से ट्रेन आ रही है, मालगाड़ी आया था जो कि बीच में, जो कि एक बढ़िया बना के इसके इंजन को थोड़ा भाई साहब। तो मस्त भाई शहर लग रहा है कि ओ भाई अब क्या स्पीड पकड़ लिया भाई, कतई है। और एक क्रैक साउंड के साथ साथ ये पटरी भी चेंज कर ली, बढ़िया लग रहा है। ये लग रहा है ये अलग रूट जा रही है इधर, और हम ये DDU की तरफ जा रहे हैं, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ये कोई और से लाइन गई है जो कि हमें पता नहीं है, लग रहा है ये आगे ख़त्म हो गई है लाइन, मतलब कि DDU की तरफ एक ही लाइन जा रही है, पता नहीं। गेम में से कम से कम 2 लाइन होनी चाहिए, मगर एक ही लाइन लेके जा रही है पता नहीं। और आपको देखा सकते हैं कि अगल बगल ये देखिए ट्रेन उड़ रही है,
आपको आगे से दिखा कर कैप्चर करेंगे, तो बढ़िया लगा है। ठीक है, इतना अच्छे से मुड़ रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट पर है पूरा। इधर तरफ अंधेरा लग रहा है, इधर रोशनी लग रहा है, हम लाइटें जला देते हैं। कतई गहल लग रहा है, घासों के बीच में जो दिख रहा है ना, ये कतई रियल लग दिख रहा है, उसमें एक सिंगल क्रैक गया हुआ। मार के गए हैं बीच बीच में, यहाँ से को बढ़िया लग रहा है पूरा। जो बैक सेवन पर इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट किया गया है गोल TMT, जो कि आपको देख सकते हैं, और इसमें विलाय का इंजन लगा पड़ा है, जो कि वहीं का लोकोमोटिव है, और इंजन का नंबर जो है 30590 है, और बहुत बढ़िया है। बैक सेवन लगा पड़ा इसमें, और यहाँ से काफ़ी जगह लग रहा है सारा। लाइट जला बार बार ट्रेन का और बच्चे रखा हुआ गाड़ी खाने कब आएगा, उसका 240 किलोमीटर लग रहा है होगा, पता नहीं होगा। इधर देखिए रोड भी बना पड़ा है इसलिए घर के बीच में बड़ा बड़ा, टाइट लोअर में आ चुके हैं यहाँ से, आप देखिए यहाँ से कैंप आउट और जर्नी का मज़ा ले। और ये बीच में हम इधर आ चुके हैं, जो कि टाइट लोअर इसको कहते हैं, और यहीं से आप बाहर का नज़ारा देखें, इतना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा रियल लग रहा है। और हम ये कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे, क्रैक साउंड है, सफर का जो डिजाइन किया हुआ है ना, जो इंडियन रेलवे काफ़ी बढ़िया किया गया है। ऐसे मैं सोचता हूँ कि हर ट्रेन का अलग अलग पहचान हो, तो अलग अलग ट्रेन का पहचान हो, और आप बताएं कमेंट करके कि आपका क्या राय है। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका राय क्या है इस पर, भी हर ट्रेन का अलग अलग मतलब पहचान होना चाहिए, जैसे कि ये सफर का है, तेजस हो गया, क्लाउड का जो गतिमान हो गया, ये सबका जो अलग अलग पहचान है, और फिर हर ट्रेन का अलग अलग पहचान होनी चाहिए, तब हमें लगेगा मजबूत, तब इंडियन रेलवे और बढ़िया लगेगी। जैसे अब राजधानी का पहचान हो गया है तेजस, तेजस राजधानी के साथ साथ जितनी भी राजधानी होगी उसी की पहचान, और ये अभी रिव्यू आने में बहुत देर है, आएगा जो आएगा तो क्रैक देख रहे हैं मतलब वीडियो, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करते तभी हमारा मनोबल बढ़ता है, और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिखा दें, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इतना बढ़िया बढ़िया। और गाड़ी का सीट पूरा फुल स्पीड,
पूरा मूड कतल जहर वाला पूरा सीन है। और आपको क्या ये जो रेलवे के किराए वाले हैं जो भी पेन रखे हैं मतलब कि अच्छे से नहीं है, थोड़ा सा और बढ़िया मतलब ग्राफिक्स होता तो बढ़िया होता, मगर ये थोड़ा कार्टूनी कार्टून है। हम इंजन के पास आ गए हैं टूल की उसके बाद जिसमें ड्राइवर का एडमिट किया गया है। यहाँ से दिखा था कितना लंबा ट्रेन है, ये कितना लंबा ट्रेन है, इंटर सिटी एक्सप्रेस है जो कि पटना टू दिल्ली। बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है और आस पास बहुत सारे घर हैं जो कि और मस्त लग रहा है। इसमें देख सकते हैं आपको दिखा रहे हैं ऊपर क्या था, पूरा ये घर ही घर है। अभी थोड़ा और बड़ा और अपडेट आएगा तो और घर हो जाएंगे इसमें जो कि, और ये देख सकते हैं अब बगल में अब ये आ गया है, अब मतलब डीडीयू आने वाला है, अब बॉर्डर बन गया है दोनों तरफ बन गया है, ठीक है वहीं से बन गया है। अभी डीडीयू आने वाला है और यहाँ से देखिए कितना मस्त लग रहा है भाई, डीडीयू आने वाला है क्योंकि दोनों तरफ बॉर्डर लग गया है, बड़ा स्टेशन एकदम मतलब नज़ारा देखिए आपको मस्त लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि पूरा जल्दी जल्दी भाग रहा है ये बॉर्डर। और तब तक के यहाँ का नज़ारा देखिए पूरा अगल बगल का काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, पूरा अगल बगल ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है इस गेम में, हरा भरा दिख रहा होगा आपको गेम में। लग रहा है डीडीयू आ गया, डीडीयू आ गया भाई, डीडीयू आ गया। इसी के लिए ट्रेन का स्पीड भी अब कम हो गया है, कर दिया है और डीडीयू पर पहुँचने का सबसे अच्छा नज़ारा देखिए डीडीयू पहुँच के भी है। और भाई ये देखो रे, देखो ज़रा क्या दिखा, ये देखो ज़रा क्या लैग है इस प्रॉब्लम में, लैग देखो ज़रा लैग है। और ये आगे से इंजन की तरफ दिखा रहे हैं डीडीयू पहुंचने गया है। कोई स्टेशन का कोई है ही नहीं, इसका लास्ट मतलब है ना तो रहेगा कौन, पटना से मतलब चलती है और ये अंधेरा हो गया, पहुँचते अंधेरा हो गया और ये हमने लोकोमोटिव का ही लाइट जला दिया। वहीं पर रुकना है,